आई नो कि बहुत लोग इस पिक्चर को देख के शॉक हो गए कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया, इतना लंबा हेयर को कट करके इतना सा क्यों कर दिया। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन है और इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जितना सा हेयर मैंने कट कर लिया उसको मैं एक्चुअली डोनेट करने वाली हूँ एक कैंसर पेशेंट के लिए, एंड दैट्स वाई मैंने मेरी हेयर को कट करके इतना छोटा कर लिया। और ये वीडियो शेयर करने के पीछे मेरी मेन रीज़न और मेन इंटेंशन यही है कि आप लोगों को भी इसके बारे में पता चले और अगर आप भी ये चीज़ करना चाहते हो तो आप भी कर पाओ। और ये जितना सा हेयर मैं डोनेट करने वाली हूँ उसको मुझे कुरियर करना पड़ेगा मुंबई के एक हॉस्पिटल में, और ये काम मैं कर रही हूँ थ्रू एक वेबसाइट। उन लोगों का ही एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे वो लोग ये काम करते हैं कि सबसे वो लोग डोनेशन लेते हैं हेयर का, एंड एक वीक बना के जिसको इसकी ज़रूरत है जो कि ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उसको वो लोग देते हैं। और कैसे मैंने मेरे हेयर को पैक किया, कैसे कट किया, कैसे कुरियर किया, सब कुछ दिखाऊंगी। बट उसके पहले आप लोग ये वीडियो देखो कि अब जब ये काम करते हो तो किसी के फेस पे कितना ज़्यादा स्माइल आ सकता है आपकी ये जो छोटा सा एक काम है इससे, यू कैन सी इन दिस वीडियो। और इसके लिए ही मैं ये सब कुछ कर रही हूँ ताकि किसी के फेस पे एक छोटा सा स्माइल आ जाए, मेरे लिए वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और अभी आप लोग देखोगे कि कितना अच्छे से उन लोगों ने मेरी हेयर को कॉम्ब किया, उसके बाद मेजर किया, एंड देन अच्छे से नॉट करके ब्रेड कर लिया ताकि वो हेयर जब कट होगा वो एकदम ठीक ठाक रहे एंड बिल्कुल भी इधर उधर ना हो, ताकि मैं जब इसे कुरियर करूँगी वो सही सलामत उन लोगों के पास पहुँचे। जो कि मेरे को ये भी पता चले कि कोई एक इंसान की हेयर से एक वीक नहीं बनते, एटलीस्ट 4 to 5 पीपल लग ही जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग आंटी की रिएक्शन देख सकते हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे लोगों की ऐसे ही रिएक्शन है कि मैं मेरे इतना लंबा हेयर को कट करके इतना सा क्यों कर दिया। एंड यहाँ पे पार्लर में गाइस मुझे सभी ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आप लोग देख सकते हो कि कितना अच्छे से ध्यान से वो लोग सुन रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या क्या क्राइटेरिया है, वो ही मैं कह रही थी इन लोगों को। आप भी ये काम घर पे भी कर सकते हो, एंड आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा कि उन लोगों की मेन क्राइटेरिया यही है कि एटलीस्ट हेयर लेंथ मिनिमम 12 इंचेस होना ज़रूरी है, नहीं तो विग नहीं बन पाएगा। और वही बात मैं इन लोगों को समझा रही थी एंड वो लोग बहुत ही ध्यान से सुना मेरी बात को, एंड बहुत ही प्यार से, बहुत ही टाइम लेके ठीक ठाक से मेरे को हेल्प किया। और यहाँ पे जो कट करने का साउंड है ना गाइस, इससे मेरी आंखों पे आंसू आ गए थे ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट मैंने खुद को रोक लिया कि इट्स ओके, एक अच्छा काम के लिए इतना सा तो मैं कर ही सकती हूँ। बट थोड़ा थोड़ा फील तो हो ही रहा था, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। एंड थैंक्स टू एवरीवन कि उन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा हेल्प किया एंड सपोर्ट किया इस काम पे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या चल रहा था, रीमी वहाँ पे हंस रही थी, बट वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया वीडियो करने में एंड मेरे साथ बैठी रही मैं जितनी देर तक पार्लर में थी ये सब काम करने के लिए। आई थिंक मोर और लेस सबको पता है कि कैंसर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है आजकल, और जिसको कैंसर है उसको पता है कि वो कितना ज़्यादा सफ़र करता है इस चीज़ से। अगर हम ये एक छोटी सी काम करके उसके फेस पे स्माइल ला सकते हैं तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी, आई थिंक सो। एंड कैंसर फिजिकली वीक तो करते ही है एक इंसान को, और मेंटली भी बहुत ही ज़्यादा वीक कर देते हैं, क्योंकि जो भी चेंजेस वगैरह फेस पे पूरा बॉडी पे आता है वो देखने के बाद कोई भी ऐसे ठीक नहीं रह पाते हैं, आई थिंक सो। और अगर ये चीज़ करके हम सच में उनके फेस पे थोड़ी सी स्माइल ला पाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और पार्लर में अच्छे से हेयर कट करने के बाद मैं घर वापस आई, और अभी टाइम है इसको अच्छे से पैक करने की ताकि जो कुरियर मैं करने वाली हूँ वो ठीक ठाक से उन लोगों के पास पहुँच जाए और ये हेयर जो मैंने कट किया वो ठीक ठाक काम पे भी आए। तो इसके पहले आपको जो चीज़ करना पड़ेगा एनवेलप पे उन लोगों के एड्रेस एंड आपका जो एड्रेस है वो अच्छे से लिखना पड़ेगा ताकि कुरियर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एड्रेस, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, जो भी सब कुछ है आप लोग लिख देना। उन लोगों के वेबसाइट जो मैं दे दूँगी वहाँ पर आपको मिल जाएगा सारा डिटेल्स। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैं अच्छे से इसको दोबारा मेजर कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक नोट पे मुझे लिख देना पड़ेगा कि इसका हेयर लेंथ जो है वो क्या है। आफ्टर दैट ये जो हेयर है उसको अगर एक जिप लॉक बैग होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, और नहीं है तो आप लोग ऐसे भी एक प्लास्टिक बैग के अंदर इसको रख के एनवेलप के अंदर डाल सकते हो ताकि बाहर का जो मॉइस्चर वगैरह है वो लोग हेयर के टच में ना आ पाए एंड जो हेयर है वो ठीक ठाक से उन लोगों के पास पहुँच जाए। और जिस काम के लिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं वो
भी सही काम पे आ पाए। तो बस ऐसे ही ये जो एनवेलप है इसके अंदर वो हेयर मैंने रख दिया एंड इसके साथ साथ वो हैंड रिटन नोट जिसके अंदर मैंने मेरी हेयर लेंथ जो है उसको मेंशन कर दिया उसको भी इसके अंदर रख दिया एंड अच्छे से पैक कर दिया ताकि बाहर का कोई मॉइस्चर कुछ भी इसके साथ इसके टच पे ना आ पाए एंड ठीक ठाक से ये पहुंच जाए। एंड अगर आप भी ये काम करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए ही मैं उन लोगों की वेबसाइट का जो भी लिंक है उसको पिन कॉमेंट पर डाल दूंगी। अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो, और अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो उन लोगों के वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। और हो सके तो मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक डाल दूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से पता लग जाए उन लोगों के बारे में। एंड दैट्स इट फॉर दिस स्टोरी, आई होप यू लाइक इट। और अगर आप लोग चाहते हो तो इसको शेयर कर सकते हो ताकि जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है उन लोगों को भी पता चल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।